बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टर ट्रायल बैलेंस एंड टी अकाउंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज। टुडे वी विल कंप्लीट दी previous question. If you remember that in last lecture we have prepared adjusted trial balance, today we will prepare the financial statements. If you can see in slide, fourth requirement of the previous question is prepare an income statement. Now students, we will prepare the income statement. First of all, we need to write down the name of the business. What is the name of the business? Name of the business is the cutlery. Name of the business, then name of the statement, income statement. Then period. First of all, we will write down the headings, name of the business, name of the statement and period, कि जिस period के लिए आप income statement बनाने जा रहे हैं। और income statement में first of all we will add the revenue portion, revenue के हमने heading दी, उसके बाद हम लिखेंगे what is the name of the revenue. Hair cutting services revenue. तो dear students, हमने revenue का नाम लिखा। revenue का नाम क्या था? Hair cutting services revenue. Amount is given $1,000. रेवेन्यू में से हम ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देंगे। तो एक्सपेंसेस की हेडिंग दे के उसके बाद हम उनकी डिटेल यहां पे लिखेंगे। क्या हमने किया कि हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग लिखी। अंडर द हेडिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने सबसे पहला एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस लिखा, जो कि ऑलरेडी कल जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था उसमें रेंट एक्सपेंस गिवन है $900 से। तो हमने उसको इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि इनर कॉलम में तमाम एक्सपेंसेस लिखने के बाद, ऐड करने के बाद हम माइनस कर देंगे रेवेन्यू में से, तो आपकी नेट इनकम या नेट लॉस की सूरत में आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम सेकंड एक्सपेंस की तरफ जा रहे हैं। सेकंड एक्सपेंस हमने लिखा है मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंस इक्विपमेंट $270, देन वेजेस एक्सपेंस $125,
इंश्योरेंस एक्सपेंस $100, हाइड्रो एक्सपेंस $75, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस फर्नीचर तो डियर स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस को यहां पे एड अप किया और जब हमने इनका टोटल किया तो इनका टोटल जो है वो $1,520 है जो कि मैं लिखने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स रेवेन्यू हमारा टोटल $1,000 था जबकि हमारे एक्सपेंसेस $1,520 थे। जब एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू से ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी कंसीडर एज ए लॉस। तो हमारा लॉस कितना हो गया 520 और लॉस हमारा अब ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा और बैलेंस शीट के किस पार्ट में ट्रांसफर होगा ये लॉस हमारा ओनर्स इक्विटी के सेक्शन में ट्रांसफर होगा। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट देन वी विल प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। तो अभी हम स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाने जा रहे हैं तो आप इसको समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनाने के लिए भी आपको वही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द बिजनेस देन स्टेटमेंट नेम देन पीरियड। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हेडिंग को कंप्लीट किया, नेम ऑफ द बिजनेस हमने लिखा, देन नेम ऑफ द स्टेटमेंट लिखा और जिस पीरियड के लिए आप बनाने जा रहे हैं उस पीरियड को लिखा। तो उसके बाद सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने ओनर्स का बारबरा शिमिट इज अ ओनर इसका हमने कैपिटल लिखा 1 अगस्त को दो दैट विल बी दी जीरो। देन ओनर्स की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट की गई दैट वाज $18,000 और हमने उसको एडअप किया तो टोटल हमारे पास आ गया $18,000। तो $18,000 में से डियर स्टूडेंट्स हम माइनस कर देंगे जो लॉस हुआ हमारा और अगर कोई ओनर ने विजड्रॉल यानी कि ड्राइंग्स निकाली हैं बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए तो वो भी हम डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द कैपिटल।
तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि टोटल में से ओनर्स की विदड्रॉल भी थी $200 जिसको हम डराइंस बोलते हैं और नेट लॉस हमारा $520 था, दोनों को ऐड अप करके 720 हो गया। तो 720 इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, रिमेनिंग बैलेंस वुड बी जब हमने 18,000 से डिडक्ट कर दिया $720, रिमेनिंग बैलेंस इज $17,280 एट द एंड ऑफ द अगस्त 31st। तो डियर स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स कि क्या करना है। हमने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में उसका ओपनिंग बैलेंस लिखा जो कि जीरो था, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर हमने एड अप की, देन हमने लॉसेज और ड्राइंग्स को माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास $17,280, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी का बैलेंस है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी नाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट वी नीड टू राइट ऑन द हेडिंग्स नेम ऑफ द बिजनेस, नेम ऑफ द स्टेटमेंट एंड पीरियड फॉर द स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, प्लीज देखिएगा। द कटलरी नेम ऑफ द बिजनेस, बैलेंस शीट नेम ऑफ द स्टेटमेंट फॉर द मंथ ended 31st August 2011। तो मैंने हेडिंग को कंप्लीट किया और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू एड अप द एसेट्स, स्टूडेंट्स ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है। लेफ्ट साइड पे मैंने एसेट्स लिखे और राइट साइड पे लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। और अमाउंट वाले कॉलम में मैंने अमाउंट का साइन दे दिया कि डॉलर साइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द एसेट्स कैश। Cash is given in adjusted trial balance. If you can see in previous lecture, $1,530. Account receivable. ये भी हमने adjusted trial balance से लिया, जो कि $65 है। Then prepaid insurance, already given $500. Then furniture, already given in trial balance, adjusted trial balance $600. Minus accumulated amortization expense $50। तो क्या किया डियर स्टूडेंट्स कि जिनमें कोई चेंज नहीं थी उनको एज इट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अमाउंट लेके हमने लिख दी। फर्नीचर हमारा एक एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना लाजमी है, तो हमने कल एडजस्टिंग एंट्री में $50 से क्या किया था कि फर्नीचर की डेप्रिसिएशन चार्ज की थी। तो हमने क्या किया कि टोटल अमाउंट में से $50 अमाउटाइजेशन एक्सपेंस के नाम से माइनस कर दिए।
तो रिमेनिंग बैलेंस हमने एड अप कर दिया बैलेंस शीट में $550। तो नेक्स्ट देखिए कौन सा एसेट है, स्टोर इक्विपमेंट $16,200, स्टूडेंट स्टोर इक्विपमेंट हमारे पास टोटल $16,200 का था, 270 अमोर्टाइजेशन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, हमने इसको डिडक्ट कर दिया मेन अकाउंट में से, रिमेनिंग बैलेंस हमने एड अप कर दिया $15,930। तो आपने डियर स्टूडेंट्स देखा जिन अमाउंट में से हमने माइनस करनी होती है हम उनको पहले इनर कॉलम में लिखते हैं माइनस करके फिर फाइनल कॉलम में उसको लेकर आते हैं, फाइनल कॉलम में आप इसको माइनस नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट हमारा एसेट कौन सा है, हमारे एसेट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो टोटल एसेट्स की हेडिंग देके हम एसेट साइड को टोटल कर लेंगे और फिर हम लायबिलिटी ओनर्स इक्विटी साइड को प्रिपेयर करेंगे। तो टोटल हमारा एसेट साइड जो है वो $18,575 है। नाउ वी विल प्रिपेयर दी लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन दी लाइबिलिटीज, अकाउंट्स पेबल, $875, अनर्ड हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू $420। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो ही लाइबिलिटीज थी, एक हमारे पास अकाउंट पेबल के नाम से लाइबिलिटी है, सेकंड लाइबिलिटी नेम इज अनअर्न्ड हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू। ये दोनों आइटम्स हमने कल वाले एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से लिए हैं। तो इन दोनों का टोटल करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, क्या हम ऐड करेंगे, ओनर्स इक्विटी बारबरा शमिट कैपिटल। डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि ओनर्स इक्विटी $17,280 जो कि हमने स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में फाइंड आउट की वो हमने लाइबिलिटीज के नीचे ओनर्स इक्विटी के हेडिंग के अंडर हमने ऐड कर दी। और टोटल जब हमने किया तो टोटल $18,575 है। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन ठीक है क्योंकि बैलेंस शीट ऑलवेज बी इक्वल, तो लिहाजा ये बैलेंस शीट हमारी ठीक है। Now we will move forward to next questions. Next question is taken from your textbook. Chapter के एंड पे क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज आप इसको देखिएगा कि इसकी ये ट्रांजेक्शन गिवन है और इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, लेकिन वो ये कह रहा है कि जर्नल एंट्रीज
पास करने की बजाय आप डायरेक्ट टी अकाउंट्स में ट्रांसफर करें, तो पहले मैं आपको जल्दी से जनरल एंट्रीज करके दिखाऊंगा ताकि टी अकाउंट में ट्रांसफर करना आसान हो, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ वी विल प्रिपेयर दी जनरल एंट्रीज। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज दिसंबर 2nd मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ $4,000 एंड एक्सेप्टेड अकाउंट रिसीवेबल। तो क्या किया कि आपने उधार सेल की है $4,000 की, तो डेफिनेटली एंट्री क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंट्री हमने क्या पास की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट $4,000। नाउ वी विल सी द सेकंड एंट्री, मेड कैश सेल्स ऑफ $2,500। तो आपने सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश सेल्स की है 2,500 की, तो एंट्री होगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो सेकंड एंट्री हमें पास कर दी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो अब हम देखते हैं कि थर्ड एंट्री क्या कहती है, पेड ऑफिस सैलरीज $500। ऑफिस सैलरीज आपने पे की, आपका एक्सपेंस है, तो आप एंट्री पास करेंगे ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो हमने थर्ड एंट्री भी पास कर दी, क्या एंट्री पास की, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। नाउ वी विल सी दी फोर्थ एंट्री, व्हाट इज द एंट्री, सोल्ड लैंड दैट ओरिजिनल कॉस्ट इज $2,200 फॉर $3,000 कैश। क्या मतलब कि आपने लैंड है 2,200 कॉस्ट की और आपने उसको $3,000 का बेचा है, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, प्लीज जरा देखिए, कैश डेबिट लैंड क्रेडिट, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड तो हमने क्या किया कि लैंड हमने सेल आउट की $3,000 की, जिसमें से 2,200 इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। डियर स्टूडेंट्स, 800 हमने प्रॉफिट कमाया, जिसको हमने लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। तो ये हमारी जनरल एंट्री पास होगी। नाउ वी विल सी दी नेक्स्ट एंट्री, पेड $6,000 फॉर इक्विपमेंट। इट मींस कि आपने इक्विपमेंट परचेज किया है $6,000 का, इसकी एंट्री क्या होगी, अभी देखते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि आपने नकद खरीदी है, क्योंकि लिखा हो गया है कि पेड कैश। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बिल्ड क्लाइंट $900 फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। इट मींस कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और उसके बदले में आपको अकाउंट रिसीवेबल मिला, यानी कि नॉट येट रिसीव्ड, तो एंट्री पास होगी पैसे आपने लेने हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी स्टूडेंट्स, कलेक्टेड $1,200 ऑन अकाउंट रिसीवेबल।
ये नहीं कि जो आपने लोगों से पैसे लेने थे उसमें 1200 आपको मिल गए हैं, तो जब कैश मिला है तो कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है तो क्रेडिट, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये हमारी एक और जर्नल एंट्री थी। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड एन अकाउंट्स पेबल $700, यानी कि आपने लायबिलिटी पे की है, तो लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश पे होगा तो कम होगा क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो मैंने एंट्री कहां पे पास की कि अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट $700। नाउ वी विल हैव टू प्रिपेयर दी टी अकाउंट्स। अब हमारे लिए टी अकाउंट्स को प्रिपेयर करना आसान है। जिस सीक्वेंस में ये स्टूडेंट्स आपने एंट्रीज पास की हैं उसी सीक्वेंस में आपको टी अकाउंट्स बनाने की जरूरत है, और हर हेडिंग का अलहदा से टी अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री है उसी के मुताबिक हम टी अकाउंट्स बनाएंगे। अगर आपको याद हो तो हमारी पहली जो एंट्री थी वो क्या थी, बता सकते हैं जी? हमने उधार सेल की थी तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हुआ था, तो हम सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे। मैं बनाने जा रहा हूं, प्लीज जरा देखिए और समझिए। ये मैंने अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बना दिया, और इसी तरीके सबसे पहले आप तमाम ट्रांजैक्शन का एंट्रीज का टी अकाउंट्स के स्ट्रक्चर बना लें ताकि हमें पोस्टिंग करने में आसानी हो। तो सबसे पहले एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है तो मैंने उसका बना दिया, और सेकंड पे सेल्स रेवेन्यू आ रहा है तो सेल्स रेवेन्यू उसके साथ क्रेडिट हो रहा है तो उसका टी अकाउंट्स बना लें। सेल्स का मैंने टी अकाउंट बना दिया, देन कैश आ रहा है, कैश का टी अकाउंट बना दिया, सेल्स का ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, फिर ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस का टी अकाउंट बना लें। देन हमारे पास कैश आ गया, कैश का हमारे पास टी अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है, फिर लैंड हमारे पास लैंड का टी अकाउंट बना लें, फिर गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ये सेपरेट हेडिंग है इसका बना लें, देन वी विल हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट रिसीवेबल, ऑलरेडी हम बना चुके हैं। सर्विसेज रेवेन्यू का हमारे पास नहीं है, उसका टी अकाउंट बना लें। Dear students, already we have prepared all T accounts. Now we will have to post the journal entries into the T accounts. तो जैसे जैसे T accounts आपने sequence में बनाए, इसी sequence से आपने entries की posting T accounts में कर देनी है। तो देखिए जरा क्या करते हैं। Account receivable आपका debit हो रहा है, किसकी वजह से? Sales की वजह से। यहाँ पे हम sales लिख दिया और amount 4000, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल 4000 से डेबिट हो रहा है तो हमने भी इसको डेबिट साइड पे लिख दिया। तो फिर सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट, किसकी वजह से? अकाउंट रिसीवेबल में की वजह से, और सेल्स वाले टी अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड पे आप अमाउंट लिख दें। देन हमारे पास एंट्री है कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो कैश वाले कॉलम में जाके टी अकाउंट में आप डेबिट साइड पे अमाउंट लिख देंगे। कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? सेल्स की वजह से 2500, और सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट, किसकी वजह से? कैश की वजह से 2500। आई थिंक कि यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हाउ टू प्रीपेयर दी टी अकाउंट्स।
देन हमारे पास ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रही है कैश की वजह से, डेबिट साइड पे आपने कैश रीजन लिख के 500 की अमाउंट ऐड कर देनी है। और कैश हमारे पास क्या हो रहा है, क्रेडिट किसकी वजह से, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस की वजह से, तो कैश वाले कॉलम में जाके हम क्रेडिट साइड पे इसको लिख देंगे। ऑफिस सैलरी एक्सपेंस 500, देन कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, लैंड की वजह से और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड की वजह से। तो लिहाजा टू रीजंस हैं कैश के डेबिट होने की, तो कैश वाले टी अकाउंट में डेबिट साइड पे ये जाके हम लिख देंगे। लैंड एंड गेन, लैंड की वजह से 2200, गेन गेन इज 800। देन हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट इज डेबिटेड, ऑफिस इक्विपमेंट हमने ऑफिस इक्विपमेंट का टी अकाउंट नहीं बनाया, नाउ वी कैन प्रीपेयर दी ऑफिस इक्विपमेंट हेयर। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से 6000, और कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से। देन अकाउंट रिसीवेबल इज डेबिटेड ड्यू टू सर्विसेज रेवेन्यू, तो हम अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट्स में जाएंगे और सर्विसेज रेवेन्यू लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे 900। देन हम सर्विसेज रेवेन्यू के टी अकाउंट्स में जाएंगे, वो क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। लास्ट पे हमारे पास है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से, ट्वेल्व हंड्रेड। और अकाउंट रिसीवेबल का हमारे पास टी अकाउंट मौजूद है, क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, ट्वेल्व हंड्रेड। लास्ट एंट्री अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल हमारा डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। अकाउंट्स पेबल का भी हमारे पास टी अकाउंट्स मौजूद नहीं, हम बना लेते हैं। अकाउंट्स पेबल डेबिट ड्यू टू कैश 700 और कैश इज क्रेडिटेड ड्यू टू अकाउंट्स पेबल, कैश वाले कॉलम में हम जाके क्रेडिट साइड पे 700। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने क्या किया, जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास की हैं, जितनी भी हेडिंग जर्नल एंट्रीज में आई हैं, तमाम एंट्रीज के आइटम्स को हमने टी अकाउंट्स में पोस्ट कर दिए, देयर इज कॉल्ड पोस्टिंग। और आपने देखा कि जितनी डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग्स हैं, हर एक का सेपरेट टी अकाउंट्स बनेगा। तो उम्मीद है कि इतना सिंपल क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, दिस एक्सरसाइज इज टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले लेक्चर्स में भी आपको इसी तरीके से तमाम न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। अकाउंटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स, नंबर वन इज परमानेंट, नंबर टू इज we have two types of accounting system, one is permanent, two is temporary accounts. Permanent account means balance sheet item, assets, liabilities, owner's equity. Temporary account means
income statement items, I mean revenue, expenses and draws वगैरह. तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि temporary accounts कैसे temporary accounts हैं. Basically at the end of the financial period we will have to close the all types of temporary accounts. I mean we will have to close the revenue, we will have to close the expenses and withdrawals and dividends. Then आपको मैं इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ. हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस गिवन है कि हमने टेम्परेरी अकाउंट्स को कैसे क्लोज करना है. नेक्स्ट स्लाइड में जरा देखिए प्लीज. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस है. यू कैन सी टॉप पे बैलेंस शीट का आइटम दिए हुए और द मिड से आपके इनकम स्टेटमेंट के आइटम दिए हुए. अगर आप स्लाइड में देखें तो सेल्स से शुरू होने वाले आइटम्स आपके इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं. तो हमें इनकम स्टेटमेंट के तमाम आइटम्स को क्लोज करने की ज़रूरत है और इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स क्लोज होंगे इनकम समरी में. तो अगर कोई आइटम डेबिट हो रहा है तो उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा. अगर कोई आइटम क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा. तो लिहाजा इसकी मेजर चार किस्म की एंट्रीज हैं, क्लोजिंग एंट्रीज. तो टेम्परेरी अकाउंट्स आपके एट द एंड ऑफ फिस्कल पीरियड डियर स्टूडेंट्स क्लोज हो जाएंगे. तो मैं अभी इस ट्रायल बैलेंस की मदद से आपको क्लोजिंग एंट्री समझा रहा हूँ. प्लीज़ जरा आप देखिए और इसको अंडरस्टैंड कीजिए. सबसे पहले हमारे पास क्लोज करने के लिए सेल्स है तो हम सेल्स को लिखेंगे. प्लीज़ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, सेल डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट. क्योंकि सेल हमारे पास ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे है, जब हमने इसको डेबिट लिखा तो क्रेडिट डेबिट क्रॉस होगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्लोज हो जाएगा. और इसका नेट इफेक्ट जो होता है क्लोजिंग एंट्रीज का, वो आपका बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो अब हम सेल्स को क्लोज करने के बाद हम अब एक्सपेंसेस को क्लोज करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस में हमारे पास एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे हैं, तो क्लोज करने के लिए उन सबको क्रेडिट करना पड़ेगा. तो फिर जब उनको क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे बता सकते हैं? चले मैं आपको बता देता हूँ. क्लोज करने के लिए डेबिट किया हमने इनकम समरी को और क्रेडिट किया हमने एक्सपेंसेस को. इनकम समरी डेबिट इनकम समरी फर्स्ट एक्सपेंस इज परचेजेस 60,000, सेकेंड एक्सपेंस इज एडवर्टाइजिंग 5,000, देन वेजेस 65,000 डॉलर, देन रेंट 15,000, देन इलेक्ट्रिसिटी 5,000. डियर स्टूडेंट्स, तमाम एक्सपेंसेस जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है एज इट इज उठा के वहां डेबिट में है, यहां हमने क्या किया जस्ट इसको क्रेडिट में लिख दिया. और इन सब का टोटल कर लेंगे और जो टोटल होगा वो इनकम समरी के आगे आप लिख देंगे. तो टोटल कर लें प्लीज. तो डी स्टूडेंट्स का टोटल क्या है, 150,000 डॉलर. इनकम समरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट 150,000. तो यू कैन सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस टोटल एंड रेवेन्यू टोटल. रेवेन्यू इज 175,000
और एक्सपेंसेस टोटल इज 150,000. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू 25,000, यानी के 175,000 माइनस 150,000 इज इक्वल टू 25,000. ये 25,000 क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये 25,000 हमारा प्रॉफिट है, नेट इनकम है. तो नेट इनकम कहां जाती है? मैंने आपको बता चुका हूं कि नेट इनकम आपकी रिटेन अर्निंग में जाती है. तो रिटेन अर्निंग में जब इजाफा होगा तो हम उसको क्रेडिट करते हैं. तो वह डेबिट किसको करेंगे? इनकम समरी को. तो थर्ड एंट्री आपकी इनकम समरी को क्लोज करने के लिए एंट्री की जाती है. और इनकम समरी कहां क्लोज होगी? रिटेन अर्निंग्स में. इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, $25,000. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, परमानेंट अकाउंट्स एंड टेम्परेरी अकाउंट्स. टेम्परेरी अकाउंट्स कौन से हैं? रिपीट करता हूं, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स आर कॉल्ड टेम्परेरी अकाउंट्स. वी विल हैव टू क्लोज द एट द एंड ऑफ ईच फिस्कल पीरियड. तो इस तरीके से हम इसको क्लोज कर सकते हैं. तो मैंने आपको क्लोज करके एंट्रीज के थ्रू बता दिया. तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी. तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. रिगार्डिंग एडजस्टिंग एंट्रीज, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड वेरियस टाइम्स अबाउट एडजस्टिंग एंट्रीज और हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली. आपने उम्मीद है इसको समझ भी लिया होगा. प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑलरेडी वी हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आई मीन इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी एंड बैलेंस शीट. अभी हमने बनाई, आपने देख लिया. तो ये ही आपकी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. नेक्स्ट स्लाइड इज ऑडिटर्स रिपोर्ट. ऑडिटर्स ओपिनियन क्या है? फोर टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन. अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ओपिनियन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोर? अनक्वालिफाइड ओपिनियन मीन्स द अनक्वालिफाइड ओपिनियन हैज अ नो रिजर्वेशंस कंसर्निंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अनक्वालिफाइड ओपिनियन इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लीन ओपिनियन. क्या मतलब? अनक्वालिफाइड ओपिनियन में ऑडिटर्स की कोई रिजर्वेशन, कोई उसका नेगेटिव पॉइंट नहीं होता. इट मीन्स कि योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड इज ओके एंड एक्यूरेट. दैट इज कॉल्ड अनक्वालिफाइड ओपिनियन. नेक्स्ट वन इज क्वालिफाइड ओपिनियन. व्हाट डज मीन क्वालिफाइड ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन मीन्स कि सम ऑब्जर्वेशंस आर देयर फ्रॉम द साइड ऑफ ऑडिटर्स. यानी इट मीन्स दिस इज नॉट ए क्लीन ओपिनियन. दिस मीन्स दैट द ऑडिटर has taken exception in certain current period accounting applications or is unable to establish the potential outcome of a material uncertainty. That is called qualified opinion. यानी के जिसके ऊपर auditors की opinion clear नहीं है, means के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिकॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड ओपिनियन. नेक्स्ट वन इज एडवर्स ओपिनियन. दिस इज अ टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन व्हिच स्टेट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फेयरली प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन. यानी कि जिसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, मिसिंग है, कोई फ्रॉड है, कोई गड़बड़ है, दैट इज कॉल्ड एडवर्स ओपिनियन. लास्ट वन इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन.
What does mean? This is a special type of audit report that should be issued when the auditor permits his or her name to be associated with financial statements that were not examined in accordance with generally accepted accounting and auditing standards. यानी कि स्पेशल ऑडिट को डिस्क्लेमर ओपिनियन कहा जाता है. अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. ऑडिटर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस or disclaim an opinion. Audit conducted in accordance with the standards of ISA, International Standard of Audits Board. Audit is required to plan and perform the audit, obtain reasonable assurance. Financial statements are free from the material misstatements. Audit provides a reasonable basis for opinion, examining evidence, assessing accounting principles and estimates. Opinion in conformity with generally accepted accounting principles. Unqualified audit report also for public companies, a reference to the audit of internal control effectiveness in accordance with the ISA based on criteria established by ISA. Auditor's report on internal control system. What does mean? Auditor's report combined with various audit opinion paragraphs. Number one paragraph is scope. Number two paragraph is responsibilities and procedures. Number third paragraph is opinion. Number fourth is reference to financial statements audit. Other types of engagements of auditors, less in scope than an audit. An opinion is not expressed by the auditor, provides negative assurance, not aware of any material misstatements are required modifications. Auditors need to compile the following things: presents only financial information provided by management, no opinion or any other assurance is given by the auditor. Management responsibility. Management is responsible for the preparation of financial statements, for the preparation of financial records, the integrity of the financial statements. Management statement responsibility may be included in the annual report of the company. Harmonization of international accounting standards. Accounting standards can vary by country. It means कि accounting standards country के हिसाब से vary भी कर सकते हैं. Development is often in response to domestic needs. यानी कि domestic needs के मुताबिक वो accounting standard में
थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट बाय IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो कि इन्होंने 1973 से 2001 तक स्टैंडर्ड बनाने में काम किया। नाउ IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज वर्किंग सिंस 2001, टू डेट हैज नो इन्फोर्समेंट पावर। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ये मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बनी हुई दिखा देता हूँ, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड, मींस किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक साल से ज्यादा यानी दो साल की इकट्ठी दी हुई हो तो कंपैरिजन करना आसान है कि पिछले साल कैश क्या था, इस साल कैश क्या है, पिछले साल बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी, इस साल क्या है, इन्वेंट्री क्या थी, अब क्या है। दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेक्चर 3, नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड एसेट्स। I would like to discuss one by one. Already we have discussed various times about the balance sheet. Balance sheet shows the financial position of the business. In other words, you can say assets is equal to liabilities plus owner's equity, that is called balance sheet. So balance sheet jo hai basically different form mein hai, ek report form hai, ek account form hai. तो जो आपके सामने स्लाइड में बैलेंस शीट आपको नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट फॉर्म। यानी कि रिपोर्ट फॉर्म में कॉलम नहीं बने होते, सबसे पहले आप एसेट्स लिखते हैं, जब एसेट्स कंप्लीट हो जाते हैं टोटल कर लेते हैं, देन आप लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी लिखते हैं। यहाँ पे आपके एसेट्स का टोटल खत्म होगा, वहां से आपको लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी स्टार्ट करेंगे तो उसका टोटल कर देंगे। दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट फॉर्म बैलेंस शीट। आई थिंक आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी हम बैलेंस शीट बना भी चुके हैं। नेक्स्ट वन इज अकाउंट फॉर्म। यू कैन सी बेसिकली यू कैन प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन द कॉलम फॉर्म, यानी कि आपके एक पर्टिकुलर्स का कॉलम लेफ्ट साइड पे होगा, फिर दरमियान में आपका अमाउंट वाला कॉलम होगा, देन राइट साइड पे लाइबिलिटी ओनर्स इक्विटी कॉलम होगा और फिर आपका अमाउंट का कॉलम होगा। दैट इज कॉल्ड अकाउंट फॉर्म बैलेंस शीट। आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के दो वेज हैं, अकाउंट फॉर्म है और रिपोर्ट फॉर्म है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको दोनों तरीके समझ आ गए होंगे। एसेट्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस वेरियस टाइप्स अबाउट द एसेट्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स मीन्स फिक्स एसेट्स आल्सो, वी विल डिस्कस वन बाय वन। करंट एसेट्स, डियर स्टूडेंट, व्हाट इज करंट एसेट्स? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स, करंट एसेट्स मींस इटसेल्फ कैश आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स की आज हम एक एक आइटम को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, यही हमारा टॉपिक है। करंट एसेट्स में कैश है, कैश के अंडर बहुत सारे आइटम हैं, नेगोशिएबल चेक्स हैं। नेगोशिएबल चेक्स क्या है? समटाइम्स आप किसी के साथ बिजनेस करते हैं, वो आपको बिल दे देते हैं, उसको बिल एक्सचेंज में हम बोलते हैं, तो वो फर्ज कर ले 3 महीने का उधार करते हैं, आपको पैसे फौरन चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप अपने बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करके उन बिल एक्सचेंज को कैश करवा सकते हैं। क्या होगा, फर्ज कर लें वो 1000 का बिल है, आप अपने बैंक से बात करेंगे तो वो आपको 1000 के बजाय फर्ज कर लें 900 देते हैं, 100 वो इंटरेस्ट का कार्ड लेते हैं, तो लिहाजा वो जो 100 है दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल चेक्स, तो वो भी कैश में आएंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड बैलेंस इन चेकिंग अकाउंट्स, वो क्या है, बाज बार कैश आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमने कैश सपोज एक इक्विपमेंट खरीदना उस पर्पज के लिए रखा हुआ है, सपोज हमने कोई लाइबिलिटी पे करनी है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड कैश होता है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो अनरिस्ट्रिक्टेड कैश बैलेंस जो है वो भी कैश की हेडिंग में आएगा। सेविंग अकाउंट आप समझते हैं, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो भी हम कैश में लिखेंगे। नेक्स्ट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेट आर इक्विटी सिक्योरिटी, डेट मींस बॉन्ड वगैरह कंपनी इशू करती है, वो आपका बेसिकली मार्केटेबल सिक्योरिटी का पार्ट है। और एक सिक्योरिटीज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं,
कैरीड एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू आप समझ रहे हैं, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, इंटेंशन टू कन्वर्ट इन टू कैश ड्यूरिंग द करंट पीरियड, यानी कि मार्केट सिक्योरिटीज क्या है कि फौरी तौर पे जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज. करंट एसेट में फर्दर डिस्कशन में है अकाउंट्स रिसीवेबल. व्हाट डज मीन बाय अकाउंट रिसीवेबल? अमाउंट ड्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ सेल्स और सर्विसेज, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अकाउंट रिसीवेबल. कैरीड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स कि समटाइम्स आप जब बिजनेस क्रेडिट पे करते हैं तो पैसे डूबने का चांस होता है, उसको कहते हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स. तो आप पहले ही से वो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो वो अलाउंस माइनस करके अकाउंट रिसीवेबल से जो बाकी अमाउंट बचेगी, दैट इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अदर रिसीवेबल्स फ्रॉम नॉन ट्रेड सोर्सेस, लाइक आपका कोई टैक्स रिफंड आना है तो वो ट्रेड अकाउंट नहीं है, तो वो नॉन ट्रेड सोर्सेज है, तो वो भी आपका रिसीवेबल में कंसीडर किया जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज क्या है? कैरीड एट लोअर आर ऑफ कॉस्ट आर मार्केट. इसका क्या मतलब है? पहले हमारे पास इन्वेंट्रीज इशू करने के फोर मेथड्स थे, फाइफो, लाइफो, एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. तो अभी एक ये न्यूली बेसिकली एस्टेब्लिश्ड है कि लोअर ऑफ कॉस्ट आर मार्केट. व्हाट डज मीन बाय दिस? कि सपोज आपने एक इन्वेंट्री परचेज की 100 की, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू जो है इस वक्त 90 रुपीज़ है, तो आप उसके ट्रांजेक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं 90 रुपीज़ से लोअर ऑफ मार्केट. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 100 की कॉस्ट है आप उसको 100 से अबव प्राइस लिख सकें. कम लिख सकते हैं लेकिन ज़्यादा लिखने की इजाज़त नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड लोअर ऑफ कॉस्ट आर मार्केट कंसेप्ट. कैटेगरीज हैं, गुड्स ऑन हैंड है, रॉ मटेरियल्स है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, अंडर दी मैन्युफैक्चरिंग. तो आप ये भी आपकी इन्वेंट्री कंसीडर होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इन्वेंट्री की समझ आ गई होगी. नेक्स्ट हमारे पास एक आपकी बुक से ली गई प्रॉब्लम है. आई हैव टेकन दिस एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक. ये क्वेश्चन है और द फॉलोइंग आर दी इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स ऑफ हेरिक हाउस. ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और इसको सॉल्व कैसे करना है, रिक्वायर्ड क्या है. कैलकुलेट द एंडिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मेथड्स, फाइफो, लाइफो एंड एवरेज. फाइफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आप इन्वेंट्री पहले खरीदेंगे वो पहले आउट करेंगे. लाइफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट पे आपने इन्वेंट्री परचेज की उसको आपने सबसे पहले बेचना है. और एवरेज मीन्स के तमाम यूनिट्स की एवरेज लेके तो फिर आपने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. तो लिहाजा इसको मैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. नाउ वी हैव ओनली 6 यूनिट्स एट द एंड ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री, यू कैन सी इन क्वेश्चन. तो हमें बेसिकली 6 यूनिट्स की एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है और जो माल बिक गया है उसकी कॉस्ट निकालनी है. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश कीजिएगा. सबसे पहले आई हैव टेकन दी फाइफो मेथड. प्लीज सी, मैंने लिखा है जी कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री. तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री देखने के लिए हमें क्वेश्चन पे वापस जाना पड़ेगा. हमारे पास 6 यूनिट्स हैं, फाइफो मेथड हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो सबसे पहले हमारे पास इन होने वाले जनवरी 1 के यूनिट्स हैं, वो इन हुए और आउट हो गए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इसी तरीके से हम आउट करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट वाले यूनिट्स, हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री होगी. लास्ट वाले यूनिट्स कौन से हैं? 4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11 पर यूनिट. लेकिन हमारी एंडिंग इन्वेंट्री 6 है, तो
तो टू यूनिट्स आपसे इसके ऊपर वाले यूनिट्स लेंगे, वो क्या है 41 से टू लेंगे, उसका रेट डियर स्टूडेंट्स क्या है $10। तो हम कैलकुलेट करेंगे टू टू यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, फोर यूनिट्स डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है कि फाइफो मेथड में आप सबसे पहले बेसिकली डेट वाइज ये दिए हुए यूनिट्स, सबसे पहले टॉप से आप इशू करना शुरू करेंगे और आप देखेंगे सिक्स यूनिट्स कहाँ पे बचते हैं, लास्ट वाले फोर तो उससे ऊपर वाले टू, और रेट भी आप वही लेंगे। तो मैंने टू लिए, उसका रेट है 10 पर यूनिट, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 11 मल्टीप्लाई बाय 4 44, टोटल कास्ट ऑफ हैंडलिंग इन्वेंटरी इज $64। इसी की हम कास्ट ऑफ सेल्स भी कैलकुलेट कर लेंगे, कंपटीशन ऑफ कास्ट ऑफ सेल्स, वो भी क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। जितने यूनिट्स आपने बेच दिए यानी कि सिक्स के अलावा रिमेनिंग ऑल यूनिट्स आपने बेच दिए हैं, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। सबसे पहले हमारे पास यूनिट्स कितने थे डियर स्टूडेंट्स, 10 मल्टीप्लाई बाय 8, वो आप कर लेंगे, देन हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 9, वो हमने कैलकुलेट कर लिए, देन 41, लेकिन 41 में से हम 2 ले चुके हैं यानी कि एंडिंग इन्वेंटरी हमारे पास रिमेनिंग कितने हो गए, 2 माइनस कर दें 41 से 39, 39 मल्टीप्लाई बाय 10, तो डियर स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास क्या आ गई $758। तो ये तरीके का आ रहा है फाइफो मेथड के तहत कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी फाइंड आउट करने का। नाउ आई विल डिस्कस द लाइफो मेथड, प्लीज देखिए। कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, रिक्वायर्ड वही चीजें हैं लेकिन मेथडोलॉजी जरा डिफरेंट है। क्वेश्चन पे वापस जाएंगे, अब लाइफो मेथड में क्या करना है कि लास्ट डे आप इशू करना शुरू करेंगे, तो लास्ट पे हमारे पास कितने यूनिट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, 4, सबसे पहले ये इशू करेंगे, देन 41 करेंगे, देन 32 करेंगे, तो हमारे पास 6 यूनिट्स बचेंगे टॉप से। अब तो 6 यूनिट टॉप पे क्या रेट दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 8, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम इसी की कंपटीशन ऑफ सेल्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जरा कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, दोबारा क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास 4 यूनिट से हमने इशू किए 11 के हिसाब से, फिर 41 है, देन हमारे पास 32 है 9 के हिसाब से। डियर स्टूडेंट्स देन हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, 10 में से सेल्स तो हमारे पास बचे हुए हैं, तो बाकी कितने रह गए डियर स्टूडेंट्स, 10 माइनस 6 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 8,
तो डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि सबको मल्टीप्लाई करके टोटल करके ऐड कर दिया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल 774 आ गई। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल है अकॉर्डिंग टू दी LIFO मेथड। नाउ वी विल डिस्कस दी एवरेज कॉस्ट मेथड। एवरेज कॉस्ट मेथड में हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट मेथड में हम तमाम यूनिट्स को ऐड करेंगे, तमाम कॉस्ट को ऐड करेंगे और हम उसकी एवरेज ले लेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले ये हमने सारे यूनिट्स लिख लिए, हम इसका टोटल कर लेंगे 87 यूनिट्स। इसी तरह हम तमाम की कॉस्ट लिख के उसका भी टोटल कर लेंगे। कॉस्ट चेक कर लेते हैं 80 28। और 44। डियर स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स वी हैव 87 एंड कॉस्ट ऑफ 87 यूनिट्स इज $722। तो एवरेज का फार्मूला क्या है बता सकते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कॉस्ट वी हैव 722 डिवाइडेड बाय 87। तो हमारे पास एवरेज क्या निकली, 9.45 पर यूनिट। हमने क्या किया, एवरेज निकालने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट आई 9.45। नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी फर्स्ट। कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी 6 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9.45। क्या किया मैंने कि एवरेज कॉस्टिंग के मेथड के तहत सबसे पहले एवरेज ली, एवरेज के बाद हमारे पास एंडिंग यूनिट्स हैं 6 को मल्टीप्लाई किया रेट के साथ जो रेट हमने फाइंड आउट किया और हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी $56.70 आ गई। इसी तरीके से वी विल हैव टू कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स 81 यूनिट वी हैव सोल्ड एट द रेट ऑफ 9.45। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमने क्या किया कि जो यूनिट सोल्ड कर दी, यूनिट्स कितने सोल्ड किए 87 टोटल यूनिट्स हैं, 6 हमारे पास एंडिंग है तो रिमेनिंग यूनिट्स 81 यूनिट्स हम सेल कर चुके हैं, उसको हमने रेट जो निकाला मल्टीप्लाई किया तो वी फाइंड आउट दी $765.45, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। डियर स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या पढ़ा, today we have discussed the financial statements, we prepare the financial statements, income statement, statement of stockholders equity and balance sheet, then we have discussed the auditor opinions, then auditor's reports,
then consolidated statements, then we have discussed the balance sheet format, account format and report format, then we have discussed the assets one by one, then we have discussed the inventory costing method, FIFO, LIFO, average. These were the topics today we have discussed. उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी. तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आज ही इसको प्रिपेयर कीजिएगा, गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए. अगर आपने आज का काम कल पे छोड़ा तो फिर आपको ये सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा. जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा मेन फोकस न्यूमेरिक पे ऊपर होगा, तो अभी हमारे न्यूमेरिक स्टार्ट हो चुके हैं, आने वाले दिनों में न्यूमेरिक में इजाफा होता जाएगा. तो प्लीज़ आप तैयारी अभी से शुरू कर दें और रोज़ाना के लेक्चर को रोज़ाना पढ़ें. उम्मीद है कि आज का दिन आपका अच्छा गुजरेगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.